हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लोकसभा के बारे में। इसके पहले हमने संसद का और राज्यसभा का वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, ये उसके आगे का पार्ट है, ठीक है। तो लोकसभा में देखिए क्या पढ़ना है कि लोकसभा को पहले तो किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो लोकसभा को जाना जाता है या तो जनता का सदन, जनता का प्रिय सदन, प्रथम सदन या निम्न सदन। जो कोई इसके पहले का वीडियो देखा होगा उसको मैंने बताया था कि मान लीजिए आपका क्या है, एक दो तल्ले का घर है, तो जो नीचे वाला तल्ला है ना, ये क्या है, यहाँ पर हमको लोकसभा मिलेगा, यानी ये प्रथम तल है, और लोकसभा मिलेगा या निम्न सदन। इसके ऊपर जाएंगे तो द्वितीय सदन होगा, और ये निम्न सदन पर उच्च सदन होगा, यानी राज्यसभा होगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये मैंने याद करने का तरीका दिया था। तो कहीं भी आता है एग्जाम में कि प्रथम सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं किसे कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। जनता का सदन किसे कहते हैं, तो भी लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें अधिकतम संख्या जो है वो 252 सदस्य हैं। लोकसभा में कुल कितने ज़्यादा से ज़्यादा तक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 252 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से, और 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 530, 20 और 2 कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 552। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में 2017 में, ठीक है, कितने सदस्य हैं, तो कितने हैं, 545 सदस्य हैं, यानी अभी भी 7 सदस्य कम हैं। और कहां से कम है, तो देखिए 530 जो राज्यों से होने चाहिए थे वो तो राज्यों से हैं, 530 होना चाहिए था, ऊपर देख पा रहे हैं आप, देखिए 530 होना चाहिए था, 530 है, मतलब राज्यों का कोटा जो है वो पूरा है, ठीक है। लेकिन केंद्रशासित प्रदेशों से 20 होना चाहिए था और यहाँ कितना है, 13 है, तो इनका जो है 7, वही कम है, ठीक है ना। तो 7 केंद्रशासित प्रदेशों से कम है, यानी कितना है इनका, 13 है, और 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 545 हो गए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये मैंने बताया, याद ध्यान रखें कि 20 से कम है 13, तो अगर ये आप याद रखें तो आपको पूरी चीज़ याद रहेंगी। और ध्यान दीजिएगा कि कब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, अगर आपसे पूछा जाता है, तो 2026 तक सीटें नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती, अभी हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आपको इतना ध्यान देना है कि 552 जो सदस्य है ना, उससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं 2026 तक। मैक्सिमम जो मेंबर हैं लोकसभा में, वो कितने हो सकते हैं, 552, ठीक है ना। इसके बाद ही कुछ हो सकता है अगर होना होगा तो। बात करते हैं, ये देखिए चेयर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये चेयर है लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है, और ये चेयर है लोकसभा के उपाध्यक्ष की। तो 2 लोग होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, ठीक है। इन दोनों लोग का चयन कहाँ से होता है, तो देखिए जो लोकसभा के जो मेंबर है ना, यानी अगर इस समय 545 हैं, तो उसी 545 में से किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो यानी इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन सदस्यों में से सदस्यों द्वारा किया जाएगा, यानी जो लोकसभा के मेंबर हैं ना 545 लोग, यही लोग मिलकर उसी टीम में से क्या करेंगे, एक नया सदस्य चुनेंगे। तो कैसे आप याद करोगे, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़े होंगे ना, छोटे में 8, 10, 11, 12, तो आपकी क्लास का एक मॉनिटर होता था, तो क्या मॉनिटर दूसरी कक्षा का होता था, नहीं, मॉनिटर आपकी कक्षा का होता था, आपके क्लास का होता था, और आपकी क्लास के जो लोग थे ना, वही मिलकर चुनते थे कि कौन मॉनिटर होगा, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, यानी लोकसभा अध्यक्ष हो या चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों लोगों को चुनाव कहाँ से होता है, लोग उसी के मेंबर उसी में से किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें योग्यता के बारे में, कि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी क्या योग्यता होती है। देखिए लोकसभा के सदस्य को हम, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए जो होता है ना वो विधानसभा का होता है, ठीक है ना, एमपी जो होते हैं वो पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट की बात, पार्लियामेंट माने संसद, यानी जो संसद का सदस्य, यानी लोकसभा की बात होता है। तो अगर आप एमपी बनना चाहते हैं, तो एमपी बनने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो पहला योग्यता हो कि आप भारत के नागरिक हों, तो हैं भी हम लोग भारत के नागरिक। इसके बाद कम से कम आयु जो हो कितना हो, 30 साल हो, ठीक, 25 साल हो। 30 साल कहाँ होता था, वो राज्यसभा में होता था, यहाँ पे क्या है, 25 साल, ठीक है। तो 5 साल का डिफरेंस, 5 साल कम में भी चलेगा, ठीक है ना, यानी 25 साल यहाँ के लिए उच्च सदन था, तो वहाँ 30 साल, ठीक है ना। और लाभ के पद पर ना हो, तो ठीक है, हम सब लोग बेरोजगार हैं तो लाभ के पद पर नहीं है। तो तीनों बातें हम, यानी हम, हमारे पास योग्यता है एमपी बनने का। आगे देखते हैं कि अगर हम बनना चाहें तो हमारा निर्वाचन कैसे हो सकता है। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन होगा, मतलब हम
हमको टिकट मिलेगा किसी पार्टी का, नहीं मिलता है तो हम निर्दलीय यानी बिना दल के, बिना किसी दल के निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और निर्वाचन आयोग से अपना चुनाव चिन्ह मांगेंगे, एक चुनाव चिन्ह मिलेगा और उस पर हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो अब हमारा चुनाव कौन करेगा, हमें कौन चुनेगा, तो जनता द्वारा हम चुने जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। जब हम लोग वोटिंग करते हैं ना, जो जनता वोटिंग करती है ना, तो वोट करती है ना लोगों को, एमपी लोगों को, कि किसको वोट देना है, ठीक है, तो वही प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन अगर आप जाना चाहें तो लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ऐसा दिया गया है अनुच्छेद 2 331 में। कई बार क्वेश्चन आता है 331 के बारे में, ठीक है ना, यहाँ क्या दिया गया, आंग्ल भारतीयों के रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण की बात की गई है, ठीक है ना। तो देखिए आगे अभी इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि अनुच्छेद 331 में ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का बहुमत नहीं है, बहुमत मतलब कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो वो दो आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। कब, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो तब, नहीं तो नहीं होता, ठीक ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति कितने लोगों को नियुक्त कर सकता है संसद में। देखिए ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति संसद में कितने लोगों को नियुक्त कर सकता है, तो आपका जवाब होगा 14 लोगों को। कैसे, संसद की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, संसद की। तो देखिए 12 लोगों की नियुक्ति तो राज्यसभा में करता है, ठीक है, और बचे 2 लोगों की नियुक्ति क्या करता है, लोकसभा में करता है। तो कुल कितने लोगों की नियुक्ति करता है संसद में, तो 12 2 14 लोगों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और खाली पूछे राज्यसभा में कितना, तो 12, और खाली पूछे लोकसभा में कितना, तो 2। तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं कार्यकाल के बारे में कि क्या कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। तो जो कार्यकाल होता है एमपी का, वो 5 वर्ष होता है सामान्यतः, इसके पश्चात वो स्वतः भंग हो जाती है, ठीक है, इसके बाद नया चुनाव कराना ही कराना है। या इसके अलावा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, तो अगर मंत्रिपरिषद कहे तो ये भंग हो सकता है, ठीक है ना। या इसके अलावा अगर देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा है, तो आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति है वो संसद में प्रस्ताव पारित करके एक बार में 1 वर्ष, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है कार्यकाल। तो अगर 1 वर्ष के लिए बढ़ गया, तो जो 5 साल होता था वो अब कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। आइए आगे बातें करते हैं। इसके आगे की चीजें में हम लोग बात करते हैं कि जो एमपी होते हैं ना, उनका कार्य क्या होता है, या जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, या लोकसभा में क्या काम होता है। तो पहला सबसे बड़ा काम होता है, वहां पे विधेयक को पारित किया जाता है। अगर विधेयक पारित नहीं होगा तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा। और इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का या लोकसभा का धन विधेयक पर एकाधिकार होता है, मोनोपोली होता है, ठीक है। धन विधेयक का आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा में धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोका जा सकता है, इसके बाद उनको वो बाध्य हैं इसको पारित करने के लिए, ठीक है ना, पास करने के लिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाने के लिए भी लोकसभा बहुत जरूरी है, अदरवाइज मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं बन सकता और कोई काम नहीं हो पाएगा। गणपूर्ति माने क्या होता है, कोरम। कोरम माने मैंने आपको बताया था कि यदि कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य आए हुए हैं, मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो कुल मिला के 54.5 आता है, तो 54.5 आदमी तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है 55 आदमियों की बात हो रही है। तो अगर लोकसभा का कार्यकाल तब, मतलब जो मीटिंग वगैरह होती है, जो सत्र चलता है, वो तभी स्टार्टिंग माना जाएगा जब कम से कम 55 व्यक्ति हों, तब तो वहाँ कार्य होगा, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कम से कम 10% कोरम पूरा होना चाहिए, ठीक है। सत्र कैसा होता है, तो सबका सेमी सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। तीनों सत्र के बारे में हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। आइए राज्यों का, अब इसके बाद बात कर लेते हैं राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में, थोड़ा सा अलग अलग। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व माने क्या होता है, कि कौन राज्यों में कौन जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे कि अभी हमने पीछे बात किया कि एमपी को कौन चुनता है, तो प्रत्यक्ष डायरेक्टली क्या करती है, जनता वोटिंग करती है, ठीक है ना। तो जो जनता होती है उस जनता में हम किसे काउंट करें, किसे जोड़ें। देखिए भारत का हर वो नागरिक जिसकी उम्र 8 साल 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, 18 वर्ष जिसकी उम्र हो चुकी है, वो क्या है, वोट देने के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है ना, उसकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन वह पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, या सरकार के द्वारा किसी वजह से उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए कि वो वोटिंग नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे मौके पर क्या हो सकता है, फिर इसके अलावा अगर कोई बातें हैं तो वो कर सकता है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए आप, 61वां संविधान संशोधन जो था, ठीक है ना, 61 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, वो आया था 1988 में, ठीक है ना।
1988 में 61वां संविधान सभा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और यहाँ क्या हुआ कि इसके पहले ना 88 के पहले ना जो वोटिंग करते थे लोग ना वो 21 वर्ष के हुआ करते थे, इसके बाद से वर्ष को घटा लिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। कब से ऐसा हुआ है तो 88 से हुआ है, ठीक है ना, 88 में 18 कर दिया गया, तो सिंपल सी बात है 88 में 18 कर दिया गया, ठीक है ना। आइए बात करते हैं इसके बाद हम संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में। तो वहाँ भी डायरेक्ट वोटिंग होती है, ठीक है ना, उसके लिए एक अलग से एक्ट भी वहाँ काम करता है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965, ठीक है ना। 1965 में दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, याद ध्यान देंगे, और 1962 में भारत के साथ चाइना का युद्ध हुआ था, ठीक है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं दो आंग्ल भारतीय होते हैं, इनमें क्या कंडीशन है, देखिए अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो न हो किसका, आंग्ल भारतीयों का, तो राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत कर सकता है। शुरुआत में यह व्यवस्था केवल 1960 तक थी, लेकिन 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कि 1999 में आया उस बढ़ा करके 2010 तक कर दिया गया, ठीक है ना। फिर 2010 के पहले ही इसको बढ़ा लिया गया और ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यानी ये व्यवस्था स्टार्टिंग में जब बना हमारा संविधान तो 1960 तक के ही अप्लीकेबल था, लेकिन बाद में चेंजिंग किया गया, ठीक है, और संविधान में संशोधन करके इसको यहाँ तक बढ़ाया गया, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद बात होती है कि लोकसभा का जो चुनाव प्रणाली है ना वो कैसी है, कैसे होता है इनका चुनाव, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, परिसीमन आयोग से क्वेश्चन बनता है। तो कैसे होता है क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मैं एकदम नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या है ना, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कोई भी एक क्षेत्र उठा लीजिए, वहाँ बहुत सारे लोग अगर रह पा रहे हैं, ठीक है, तो सारे लोगों में से कुछ लोगों को चुना जाएगा लोकसभा का सदस्य, यानी कुछ लोग वहाँ से एमपी चुने जाएंगे। मान लीजिए कोई एक जिला है उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए कि हम इलाहाबाद जिले की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इलाहाबाद जिले की जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 60 लाख लगभग, ठीक है ना। तो 60 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कुछ एमपी चुने जाएंगे, ठीक है ना। तो जो एमपी होते हैं यही लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि यहाँ से जो एमपी चुने जाएंगे तो क्या इनका कोई अनुपात होता होगा, मतलब कि क्या ऐसा होता होगा कितने जनसंख्या पे कितना एमपी रखना है, कुछ इसका नियम होता होगा, कुछ कानून होता होगा। जी हाँ, इसका कानून है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि जो एमपी होते हैं ना और जो क्षेत्र होते हैं उनका कानून, उनका जो अनुपात होता है ना वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि कानपुर जाएंगे तो अनुपात बदल जाएगा, आजमगढ़ के लिए अलग बदल जाएगा, गोरखपुर के लिए चेंज हो जाएगा, मेरठ के लिए चेंज हो जाएगा, नहीं, सबके लिए अनुपात क्या होगा, लगभग एक जैसा होगा, लगभग एक ही जैसा होगा, अनुपात जो है बराबर होगा। कितना अनुपात होगा हम आगे बात करते हैं, ठीक है। किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो लगभग जिनकी, ऐसा माना गया है कि जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है उन पर ये नियम लागू नहीं होगा, उनके लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं, अलग से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है ना बात को, कुछ राज्यों के लिए अभी वो क्यों हो रहा है। अच्छा आप ही बताओ, जिनकी अब एक जिला की यहाँ पॉपुलेशन 60 लाख है और किसी राज्य की पॉपुलेशन अगर 60 लाख है, तो दोनों में कितना बताओ डिफरेंस है। तो राज्यों के लिए हम क्या व्यवस्था करें, मतलब जितना जिले में जितने एमपी का उतना राज्यों में रखा जाए, तो कैसे क्या व्यवस्था बने, इसलिए प्रोविजन अलग कर दिया गया, ठीक है। आइए इसके बाद दूसरा नियम क्या बनाया गया कि मान लीजिए एक बड़े क्षेत्र को उठाया, उसमें छोटे छोटे कई सारे क्षेत्र होंगे, तो सारे के सभी क्षेत्र क्या होंगे, आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ देखिए बात हो रही है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। तो सिंपल सी वही बातें बता रहा है, जैसे अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ तो इलाहाबाद में बहुत सारे एरिया हैं, जैसे इलाहाबाद उत्तरी दक्षिणी, ठीक है ना, तो अलग अलग एरिया हैं, इसमें फूलपुर सीट हो गई, अलग सीट हो, तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, ठीक है। तो जो अनुपात होगा ना वो सबका सेम होता है, चाहे आप जिला की बात कर लीजिए, चाहे जिला के किसी क्षेत्र की बात कर लीजिए, वो हमेशा अनुपात क्या होता है, वो एक बराबर अनुपात होता है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं कि अनुपात कैसा होना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक समायोजन किया जाता है, और ये हर जनगणना के बाद, जनगणना होती है हर 10वें साल, तो ये हर जनगणना के बाद एक समायोजन होता है। राज्यों को लोकसभा में जो स्थान आवंटित है उसका क्या कंडीशन है, और प्रत्येक राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका विभाजन कैसा है, ये दो चीज़ों को लेकर हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं परिसीमन आयोग के बारे में, इसके लिए एक अधिनियम भी है, परिसीमन आयोग अधिनियम, सबसे पहले 1952 था, फिर 62 हुआ, फिर 72 हुआ, फिर 2002 हुआ, तो लास्ट में आप देख सकते हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद फिर यहाँ आके सीधे 2002, यानी 2222, तो ये आप याद रखेंगे 2002। आखिर इस समय कौन से अधिनियम से काम हो रहा है, तो
ये परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत काम हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए 42वें संविधान, संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि राज्यों को लोकसभा में जो स्थानों का आवंटन है और प्रत्येक राज्यों का जो निर्वाचन क्षेत्र है ना उसको उसका विभाजन वर्ष 2000 स्थिर कर दिया गया। लेकिन देखिए विभाजन वर्ष 2000 स्थिर कर दिया गया, लेकिन जो जनगणना है वो हमारी 1971 की जनगणना पर ही आधारित है। ठीक है, 1971 में जो जनगणना थी उसी पर आधारित आज भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, आज की जनसंख्या या कुछ दिन पहले की जनसंख्या तक में होना चाहिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन है पूछता है कि किस जनगणना के आधार पर ये लोकसभा में सीटों का आवंटन हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1971। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन 2001 में स्थिर भी कर दिया गया अगले 25 वर्षों के लिए। देखिए 2001 में आया है ये संशोधन और 25 सालों के लिए स्थिर किया गया, इसीलिए 2026 तक अब सीटों को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, 2026 तक हम सीटों को बढ़ा नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 25 साल के लिए स्थिर किया गया और आया कब था, 2001 में, तो 2026 तक तो फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया कि वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, वो फैक्ट क्या है आप देख लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये सब हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसे आप याद रखेंगे। देखिए लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कितनी जनसंख्या के ऊपर एक जो है लोकसभा का एमपी होता है या जो निर्वाचन क्षेत्र हो कितने लोगों के लिए होता है। तो एक आंकड़ा है इसका, लगभग 7.5 लाख लोग, लगभग कितने लोग दोस्तों, 7.5 लाख लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की, चाहे वो आप लोकसभा के लिए चाहे राज्यसभा के लिए, दोनों में सर्वाधिक सीटें हैं। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं उनका उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा दबदबा या ज़्यादा रहता है, या बातचीत या काम करने के तरीके लेकर थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं वो लोग। ठीक है, तो 80 सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की और 31 सीट है राज्यसभा की। अगर हम बात कर लें यहाँ पे देखिए अलग अलग, तो 80 सीट उत्तर प्रदेश की है। अपने पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर लें तो 40 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है और महाराष्ट्र में 48 सीट है। तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे कम कहाँ पे है, तो तीन राज्य हैं जहाँ पे सबसे कम है, एक सिक्किम है, एक नागालैंड है और मिजोरम है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम तीनों में जगह पे लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, लोकसभा कितने फैसले सिर्फ एक सीट, तो बहुत कम जनसंख्या इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है ना, बहुत कम है जनसंख्या वहाँ की, तो ऐसा इसलिए वहाँ पे है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने बताया ना कि उसके अलावा क्षेत्र के आधार पर भी क्या होते हैं कि क्षेत्र के आधार पर भी जनसंख्या दोनों के आधार पे हम तय करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अभी अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो एक बात आपने, जैसे रेगिस्तान है राजस्थान में, तो वहाँ पे रेगिस्तान में क्या होगा, ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में कम लोग रह रहे होंगे, मतलब एरिया ज़्यादा होगा जनसंख्या कम होगी। तो फिर मतलब किस आधार पे हम रखें, किस आधार पे हम एमपी को रखें, अगर हम जनसंख्या के आधार पे करते हैं। ठीक है, तो जो घने शहर हैं, जो घनी आबादी वाले शहर जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ कम ही जगह में इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो फिर उनको कैसे किया जाए। या फिर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, नागालैंड की या राजस्थान की, तो वहाँ क्या अनुपात होना चाहिए। तो इन दोनों का एक ऐसा अनुपात रखा गया है परिसीमन आयोग के द्वारा कि कितने क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी। ठीक है ना, और पॉपुलेशन को देख के, जगह को देख के हमेशा बदलती रहती हैं, हर 10 वर्ष पे बदलता रहता है, इसलिए इसको स्थिर रूप में बताना कठिन है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आप केवल उतनी चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस किया करें जहाँ से आपका एग्जाम अच्छे नंबर से निकल जाए। ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत फंसा करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डीप स्टडी तो करनी है, लेकिन कितना डीप स्टडी, जितने में हमारा काम चल जाए। ठीक है, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अपना दिमाग थोड़ा सा बचा करके, कुछ हिस्ट्री पे देना है, कुछ जियोग्राफी पे देना है, कुछ पॉलिटी पे देना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है। ठीक है ना, तो बहुत, इसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर हिंदी भी देखना है, कुछ लोगों को इंग्लिश भी देखना पड़ेगा, मैथ भी देखना पड़ेगा, रीजनिंग भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अभी तो मैं इतना कुछ नहीं, अभी मेंस में होगा तो और सारी चीज़ों की बात करोगे, तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग हर चीज़ों के लिए बचा के रखें। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सारे सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं, देखिए यहाँ पे गोवा का, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है ना, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, दो है, यानी इनसे तो कुछ ठीक कंडीशन। ठीक है ना, अगर हम केंद्र शासित की बात कर लेंगे तो सिर्फ दिल्ली में 7 हैं अकेले, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ एक एक हैं, चाहे वो पुदुचेरी हो, चाहे वो दमन दीव हो, दादरा नगर हवेली हो, चंडीगढ़ हो। ठीक है ना, सारी जगहों पे क्या है,
एक एक है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, ठीक है ना, वो सारे जगह। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, कैसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख जिला जो है, ठीक है ना, वो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अगर हम बात करेंगे लोकसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बारे में, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 330 में। दोस्तों अनुच्छेद 331 हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे आंध्र भारतीयों के रिजर्वेशन की बातें हुई हैं, और यहाँ पे 330 दिया है, ठीक है ना। ये दोनों आप अगर याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। सर्वाधिक एसटी किस जगह को इंडिकेट करती है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, वो आप ध्यान देंगे, और यहीं से होते हैं, ठीक है। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? अभिरक्षक मतलब लोकसभा का रक्षा करने वाला, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वही हेड होता है, ठीक है ना, माली जाली सब यही है, ठीक है ना। और बातें करता हूँ आपको, ये कास्टिंग वोट क्या होता है? देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो नॉर्मली वोट नहीं देता, कभी कभी किसी चुनाव में, चुनाव कर रहे हैं, कभी किसी विधेयक को पास उस करते समय कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, तो वोट नहीं करता, वो कभी वोटिंग नहीं करता। उसकी वोटिंग तभी होती है जब मत बराबर हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए 100 मत हैं, 50 एक तरफ गिर गए, 50 एक तरफ गए, तो उस समय उसकी कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग मतलब अब उसके वोट की कीमत होती है, कास्टिंग होती है, ठीक है, अब वोट करेगा और जिधर वोट कर देगा वो जीत जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए होता है कास्टिंग वोट, नॉर्मली वोट नहीं करता। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जैसे आप ही चुनाव लड़ रहे हो, और आप जो है 1/6 से भी कम वोट पा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी, कुछ जमानत रखना पड़ता है आपको, कुछ पैसे देने पड़ते हैं निर्वाचन आयोग को आपको ये चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी जमानत जो होगा जब्त हो जाएगा, तो पैसा जब्त हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि हारोगे नहीं तुम, जमानत तुम्हारी जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो, जो भी दियो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, वो तुम्हारी जब्त हो जाएगी, ठीक है। अगर हम प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें, कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर, जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो देखिए इनको आप याद रखेंगे, आगे चल के इनके ऊपर इनको हटाने के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ था लोकसभा में, लेकिन उसके पहले इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी याद रखेंगे, सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, जीवी मावलंकर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देंगे। अगर महिला में बात करेंगे, तो पहली महिला कौन थी, तो मीरा कुमार थी। दोस्तों कुमारी नहीं बोलेंगे आप, मीरा कुमार। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी थी कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, इनको हटा कर, तो जो चुनाव में जीत नहीं पाए, तो इनके जगह पे कौन है, नया जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो आप दोनों बातें याद रखेंगे, मीरा कुमार इस समय कौन है वर्तमान में, तो है सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन। देखिए इसके बाद में बात और चीजें बात बता दूं कि किस विधेयक को केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, तो कौन सा विधेयक है, वित्त विधेयक, ठीक है ना। वर्तमान में 16वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, टाइम चल रहा है, और इसके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमित्रा महाजन, ये भी लेडीज हैं, ठीक है ना, सुमित्रा महाजन, ठीक है। और आपसे पूछे कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो यम थम्बी दुरई, यम थम्बी दुरई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, खूब कमेंट्स भी करिए, कहीं भी दिक्कत परेशानी आपको होती है तो, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कुछ लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जान के, ठीक है, और कि आप लोग इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो चैनल को भी खूब सब्सक्राइब करिए, और हाँ प्लीज़ अगर ऐड आता है वीडियो पे आपके ऊपर, तो ऐड पर क्लिक करना मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि वही मेहनत है मेरी, ठीक है, और उसी से कुछ पैसे आ जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो अगर आप मेरा थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, हालांकि मेरा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, ये मैं सिर्फ नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, ठीक है। देखिए मेहनत आपको खुद करना है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। चलिए और बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।